हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज वन मोर क्वेश्चन देखते बेटा। अभी इसके पहले मैंने चार से पांच क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ये पांचवा या छठवा क्वेश्चन आई थिंक सो। ओके, और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी 27 जान का ही है, फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको इंटीग्रेशन से। ओके, और एकदम सिंपल है इंटीग्रेशन। देखो बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन से दिया गया, और ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको एग्जाम्पल में मिल जाता है, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ही एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। ओके, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे कंफ्यूज किया, बाकी कुछ नहीं। रैशनलाइजेशन किए तो आंसर निकल जाता। रैशनलाइज करके अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो, और उसने कंडीशन क्या किया, ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे ए माइनस थ्री बी माइनस फोर सी की वैल्यू आपको बतानी। उसके पहले आपको सबसे पहले ए बी और सी निकालना है। वो ए बी सी निकालने के लिए आपको प्रॉपर बेसिक मेथड करना है, जो बोर्ड के लेवल में करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। जीरो से लेके वन तक, वन अपॉन कितना बेटा, अंडर रूट थ्री प्लस एक्स अंडर रूट फोर प्लस एक्स, थ्री प्लस एक्स अंडर रूट फोर प्लस एक्स, और इंटू क्या करना है बेटा, अंडर रूट थ्री प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स। रैशनलाइजेशन पता है बेटा सबको, थ्री प्लस एक्स अगेन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू क्या लिख लेता, डीएक्स। ठीक है, माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, एकदम सिंपल। जीरो से लेके वन तक अंडर रूट थ्री प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट क्या दिया बेटा, वन प्लस एक्स। ठीक है, अब नीचे देखो बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगता, रूल तो मालूम है। जब भी आपको रैशनलाइजेशन करते हो तो न्यूमरेटर से करो या डिनोमिनेटर से करो, एक जगह आपको 100% ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो तो थ्री प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। जीरो से लेके वन तक रूट थ्री प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब नीचे क्या होगा, ब्रैकेट अगर रिमूव कर दूंगा तो माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, थ्री में से वन गए तो बचेगा कितना, टू। जीरो से वन, वन बाई टू बाहर लेता, अंडर रूट कितना बेटा, थ्री प्लस एक्स और माइनस वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना, डीएक्स। ठीक है, अब आपको तो पता है बेटा रूट एक्स का इंटीग्रल है नहीं अपने पास, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे वन बाई टू रूट हटा के क्या लिख सकते, थ्री प्लस एक्स की पावर वन बाई टू का क्या आता, थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और इसका क्या आता बेटा, वन प्लस एक्स अपॉन होल की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कौन है बेटा, यहाँ से जीरो से लेके वन तक। ठीक है, अब चलते आगे, एकदम सिंपल है, कन्फ्यूज मत हो जाओ। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन में गड़बड़ होती है और इंटीग्रेशन करते टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, तो देख लो ध्यान से। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, यहाँ पे वन बाई थ्री ऐसे ही रख लेता हूं। अब ये थ्री बाई टू को अगर रिवर्स कर दूंगा तो क्या आता बेटा, टू बाई थ्री आ जाता। ठीक है, और यहां पे थ्री प्लस एक्स, थ्री प्लस एक्स और होल की पावर कितना, थ्री बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट कौन है, जीरो से लेके वन तक। ठीक है, मुझे बता बेटा यहाँ पे थ्री बाई टू बोले तो टू बाई थ्री आ जाता, क्योंकि ये बाहर वन बाई टू है, मैंने वन बाई थ्री लिखा, सॉरी इधर टू है बेटा। ओके, तो ये टू और ये टू गायब हो जाता, ये जो वन बाई टू सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस वन बाई टू, फिर अगेन नीचे का थ्री बाई टू क्या होता बेटा, टू बाई थ्री हो जाता, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स होल की पावर थ्री बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो से लेके वन तक। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे भी टू टू गायब हो गया, चला गया टू टू, अब बचा कितना अपने पास, यहाँ पे वन बाई थ्री बचा, तो ये वन बाई थ्री कॉमन निकाल लेता, थ्री प्लस एक्स होल की पावर थ्री बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो से लेके वन तक, माइनस वन प्लस एक्स होल की पावर क्या लिख लेता, थ्री बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो से लेके वन तक होल ब्रैकेट, जो वन बाई थ्री सबके साथ लग रहा बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे वन बाई थ्री ऐसे ही रख लेता हूँ, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कितना बेटा, थ्री प्लस वन होल की पावर थ्री बाई टू माइनस थ्री प्लस जीरो होल की पावर थ्री बाई टू, राइट एवरीवन, क्लियर। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी सेम बेटा, वन प्लस वन होल की पावर थ्री बाई टू और माइनस वन प्लस जीरो होल की पावर थ्री बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे देखो बेटा वन बाई थ्री, थ्री प्लस वन कितना, फोर, फोर की पावर थ्री बाई टू, अब यहां पे माइनस थ्री की पावर थ्री बाई टू,
ओके अब ब्रैकेट अगर मैंने रिमूव कर दिया, 2 की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 की पावर कितना 3 बाई 2, ठीक है, माइनस अगर चेंज कर दे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस होता। अब देख लो बेटा, 4 की पावर 3 बाई 2 को मैं क्या लिख लेता बेटा, 8 लिख सकता, क्या लिख सकता 8, और 3 की पावर 3 बाई 2 मतलब 3√3, 2 की पावर 3 बाई 2 मतलब 2√2 और प्लस 1, ओके 8 प्लस 1 कितना बेटा 9, 9 माइनस 2√2 पहले लिख लेता हूं और माइनस 3√3। ऐसा क्यों लिख रहा बोलो तो ये ऑर्डर में आपको आंसर दिखना चाहिए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना बेटा, 3 से अगर मैंने डिवाइड किया, 9 बाई 3 माइनस 2 बाई 3√3, ओके माइनस 3√3 बाई 3, 3 वन जा 3, 3 जा फिर अगेन 3, 3 गायब, ओके। तो यहां पे देखो बेटा, आपको ये वाले फॉर्म में देखो a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, यहां पे a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू आ रही बेटा माइनस 2 बाई 3, ओके, और यहां पे c की वैल्यू जो आ रही बेटा कुछ नहीं मतलब माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री के सामने कौन है माइनस वन, ये वैल्यू आ गए बेटा आपकी ए बी सी आ गए, ओके। इस ए बी सी को यहां पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाता, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 बाई रूट थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 कौन सा 1 माइनस 1, 3 3 कटेगा, 3 प्लस 2 प्लस 4, देख लो बेटा आंसर 5 प्लस 4 इज इक्वल कितना 9, ये आपका आंसर है 9। विच ऑप्शन बेटा, दिस इज 9, सेकेंड ऑप्शन, दिख रहा है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटीग्रेशन, इतना मुझे नहीं लगा था कि इतना इजी लेवल से पूछा जाएगा, कुछ तो अलग पूछूंगा सोचा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बट इसने बहुत सादा सिंपल क्वेश्चन पूछा, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ किया और थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता, ठीक है, क्योंकि 1/2 ये वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो मुझे लगता है ऐसे मॉडल वाले क्वेश्चन भी देखना, ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है महाराष्ट्र बोर्ड में, ठीक है, थैंक यू।